नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना सके। एंड दोस्तों, साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकती हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, यहाँ फॉलो करने का एक फ़ायदा ये होगा, एक हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको मेरी प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे मैसेज कर देना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आज का हमारा टॉपिक, तो ये बेस्ट पेन स्टॉक टू बाय टूडे, क्या बन सकते हैं पेन स्टॉक, और कुछ पेन स्टॉक इसमें से हमें 5000% का रिटर्न दे चुकी है, और आज इन सभी पेन स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा। अगर आप चाहते हो कि इन सभी वीडियोस का मतलब स्टॉक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, हर महीने मैं वैसे बनाता हूं, लेकिन अब रेगुलर उन्हीं स्टॉक के ऊपर बात करने में थोड़ी बोरियत सी होती है, ठीक है। अब आई डोंट नो क्यों होता है, लेकिन बस होती है भाई, है ना, क्योंकि ये जो पेन स्टॉक अभी आपको दिखेंगे ना, इतने सस्ते दामों में आपको सजेस्ट किए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इतने सस्ते मतलब कि आप सोच भी सकते हो, तो इन सभी पेन स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, तो क्या करना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए? नहीं, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, तो अगर हो सके तो उसको फॉलो करना। कभी भी किसी पेन स्टॉक पे देखो, अगर बड़ी गिरावट आती है, देखो यहां से गिरा 290 से आपका TTML, तो ये जो तेजी आती है, तो ये तेजी आपको ये नहीं बोलती कि बाय करो, ये तेजी बोलती है मुझे सेल करो, ठीक है। तो अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि ये स्टॉक का मूविंग एवरेज क्या है, जहां हमें बाय कर सकते हैं स्टॉक को और हमारा पैसा ट्रैप ना हो, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ये तरीका नहीं होता किसी स्टॉक को बाय करने का। क्योंकि देखो, समझो बात को, अगर आप बहुत पुरानी हो मार्केट में तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यार, आपका पैसा किसी स्टॉक अगर फंस जाता है तो जिंदगी भर के लिए फंस जाता है। मुझे पता है ना, एज अ रिटेल यार, कि लोग 5-10 हजार रुपये लेके आते हैं, और वो 5-10 हजार रुपये का TTML जैसे शेयर में फंसा देंगे 156 रुपये के लेवल्स में, ये कल स्टॉक 100 रुपये आ जाएगा, फिर जिंदगी भर में ना ये स्टॉक आपको 156 रुपये के लेवल नहीं दिखाएगा लास्ट 50 सालों तक। और ऐसा होता है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो देख लो, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये इंडिया इंफोटेक शेयर है, अभी ये स्टॉक का भाई 6 रुपए ट्रेड कर रहा है, आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, लेकिन इसका मैक्स चार्ट खोल के देखोगे तो 2013 में स्टॉक का प्राइस 40 रुपए था, और जिसने 40 रुपए में स्टॉक को बाय किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अब देखो ऑलमोस्ट कितने साल हो चुके, 8-9 साल हो चुके, उनका प्राइस अभी तक नहीं आया है, और शायद आएगा भी नहीं, समझ गए? तो ये चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको किसी पेन स्टॉक को बाय करना है तो सस्ते में बाय करा करो, जितना आप कर सकते हो। देखो इसमें वही पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो सभी पेन स्टॉक में वही पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को मैं क्या बोलता हूँ, आप लोगों को पता है, कभी भी एक हरी कैंडल बनने से आप स्टॉक को जज नहीं कर सकते कि ऊपर जाने वाला है। मैंने क्या बोला, कम से कम एक हफ्ते या एक सप्ताह तो उसको देख लो, स्टॉक को क्या सा पैटर्न बन रहा है, कम से कम एक महीना देख लो। अगर एक महीना वो स्टॉक एक रेंज पे ट्रेड करता है, देन यू कैन थिंक टू बाय, अदरवाइज इग्नोर करो। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती, और लोग मुझे कह रहे हैं इंडिया इंफोटेक के सॉफ्टवेयर के टारगेट क्या रहेंगे। भाई ये स्टॉक जब 20 पैसे ट्रेड करा था, वो वीडियो उठा के देखो, ठीक है, उसमें मैंने कितने रुपए के टारगेट बोले थे। भाई जब भी पहला वीडियो बनाता हूँ उसमें अपने बड़े बड़े टारगेट मैं दे देता हूँ। अब दिक्कत क्या है ना, आप लोग स्किप करने का आपको बहुत आदत होती है वीडियो को, तो भाई स्किप मत किया करो ना, बार बार अगर मैं बातें बोलते रहूंगा। मैंने अगर बोल दिया स्टॉक का टारगेट 500 रुपए का है, अगर गलती से किसी ने यार 6 में बाय कर लिया, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी बाय कर ली, तो भाई यार आप अगर नीचे गिर जाता है, कल 2 रुपये आ जाता है, तो दिक्कत तो मुझे होने वाली ना, क्योंकि आप लोग नीचे कमेंट करके बोलोगे मैंने तो शेयर ले लिए थे, क्योंकि आपको पता नहीं है मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो भाई आंखें बंद करके जिस प्राइस में बाय करना बाय कर लो, पैसा बन जाएगा अगर फॉलो करते हो रूल को, नहीं करते तो कभी नहीं बनेगा, बाकी मर्जी आपकी है। बाकी आप देख सकते हैं पीएमसी फिनकॉर्प शेयर है, 7 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो ये इसमें भी आज वही सीन हुआ है, एक अपर सर्किट लगा, क्या बाय कर ले? बिल्कुल नहीं करना बाय, सेम पैटर्न सभी स्टॉक्स में बन रहा है। और शालीमार प्रोडक्शन का वीडियो आएगा, इसमें मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत ना प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्टॉक में डिक्रीज करी है। अगर आप अपना पूरा का पूरा पैसा इसमें खोना चाहते हो, खोने के रेडी हो, तो छोड़ दो यार, अगर 1500 रुपये लगाया है तो, है ना, बाकी जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया है वो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। साथ में लाए हो आपकी 2-3 स्टॉक्स जिसके आप अभी के अभी बाय करके चल सकते हो। पहले ये सारणिक देख लो, इसमें भी आपको सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। देखो गिरावट हुई, एक अपर सर्किट लगा, तो क्या है बाय करे? बिल्कुल नहीं बाय करना, एक रेंज बनाएगा तब बाय करना है, ऐसी कुछ रेंज बनाएगा, इस रेंज में स्टॉक को बाय करना, उससे पहले बाय नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक के बारे में जो लॉन्ग टर्म मतलब 2022 में आपको पैसा बना के दे सकते हैं। पहला जो स्टॉक है मेरा यूको बैंक है भाई, बार बार बोल रहा हूँ और अभी भी बोलूंगा, मैंने कुछ स्टॉक को बाय किया है, 13 रुपए 60 पैसे ट्रेड कर रहा है, कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, तो यही वो स्टॉक है जिसको आप नजरों में रख सकती हो। आई नो स्लो मूविंग स्टॉक है, लास्ट कुछ सालों से स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट रिजल्ट मतलब
रिटर्न कमा के नहीं दिया है, लेकिन अब अगला साल इसका हो सकता है, ये मेरी क्रेडिट कहती है। तो अगर आप चाहो तो स्टॉक को नजर में रख सकते हो, देखो पैटर्न बना रहा है, एक डब्बे में ट्रेड कर रहा है, एक साल का ये रेंज है। डेफिनेटली अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है, यहाँ से एटलीस्ट ये स्टॉक डबल ट्रिपल भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आप स्टॉक को नजरों में रख सकती हो। बाकी बात करते हैं लास्ट स्टॉक के बारे में, जो है फ्यूचर कंज्यूमर, जो मात्र 7 रुपए 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी आप नजरों में रख सकती हो। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये स्टॉक में ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं आपको ये बोलूंगा आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा जाएगा आप तो 10 लाख क्वांटिटी बाय कर लोगे, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बात समझना, मैं जो भी स्टॉक बाय करता हूँ एज ए ट्रेडिंग बाय करता हूँ, ट्रेडिंग समझते हो, अगर आपने ट्रेडिंग जिंदगी में करी है तो ट्रेडिंग में क्या रूल फॉलो करते हो, मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करते हो ना, तो ये समझो कि ये स्टॉक आपने ट्रेडिंग पर्पज से बाय किया इंट्राडे में, और इंट्राडे का जो पीरियड है 6 से 1 साल का है, समझ आ गया। तो मेरा स्टॉक में जो स्टॉप लॉस है वो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, और मेरी जो एंट्री प्राइस है 7 रुपए के आसपास है, तो 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और मैं अगर इसको इंट्राडे बाय कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना है, मैं अपने औकात के अनुसार मान के चलो 1000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, मैं 2000 का लॉस ले सकता हूँ, तो भाई सिंपल है ना, अगर आप 2000 का लॉस ले सकते हो 2000 के लॉस के हिसाब से बाय करो फिर, समझ गए, जो मैं जो भी आपको 500 देता हूँ वो ट्रेडिंग पर्पज से होता है। अब ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि इंटरडे में निकलना है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, पेनी स्टॉक पे 6 से 1 साल का पीरियड, बस आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है और गेम को पलट देना है, समझ गए। अब बहुत लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि एफ कंज्यूमर आई थिंक यार भाग नहीं रहा है, भाई 2 दिन में थोड़ा भागने वाला है, 2 दिन में कोई स्टॉक भागता तो मुझे बता दो, 2 दिन में कोई चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, ये स्टॉक बहुत जल्द 6 रुपए भी आएगा, 6 रुपए में भी बाय करना, ठीक है, हिम्मत होगी तो 6 में बाय करना, हिम्मत होगी तो 5 में भी बाय करना, क्योंकि 5 में ये स्टॉक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर हो जाएगा, मात्र 1 महीने में 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बताऊंगा आपको कैसे उसके तरीके होते हैं, कैसे होते क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बड़ा पैसा आता है ना, समझो बात को, जिस दिन बड़ा पैसा आएगा ना, बड़ा पैसा, तब ये स्टॉक ना 100K 100K वॉल्यूम में भी आपका अपर सर्किट मार देगा, सिर्फ 100K मतलब 1 लाख वॉल्यूम में भी अपर सर्किट मार देगा, लेकिन जब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा ना, बड़ा पैसा समझो किस स्कीम में बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक में आप 10 मिलियन वॉल्यूम लेकर जाओ, ये स्टॉक हिलने का नाम नहीं लेगा, 10 मिलियन लेकर जाओ, 100 करोड़ लेकर जाओ, हिलने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा ये स्टॉक नहीं हिलेगा, अभी स्टॉक में छोटा पैसा लगा हुआ है, और छोटे पैसे को पहले डराया जाता है, भगाया जाता है, ठीक है, समझो बात को, अगर मेरा स्टॉक में स्टॉप लॉस हो जाएगा एक बार तो मैं स्टॉक को दोबारा से एंट्री करने वाला हूँ सेम प्राइस में 7 रुपए के लेवल्स में, मुझे पता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको लात मार के भगाया जाता है, और लात मारने का मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने से मतलब है, समझ गए, एक बार स्टॉप लॉस हो गया तो समझ जाओ आपको जानबूझ के बाहर भगाया गया है, वो आपको बोल रहा है कि मैं दोबारा से उसी प्राइस में अगर आता हूँ तो मैं ऊपर भागूंगा, अगर आपको डे ट्रेडिंग करी है आपने तो डे ट्रेडिंग में ये होता है, और ये चीजें आपकी स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल सब जगह होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट होता है, क्योंकि देखो आपके पास डेटा रहता है, सबके पास डेटा रहता है कि किस व्यक्ति ने किस रिटेल ने स्टॉक को बाय किया है, सबके पास है डेटा, ठीक है, उनके पास करोड़ रुपए तो वो तो उनके पास वो डेटा निकल जाता है भाई, तो उनको पता है कि इस प्राइस में कितने रिटेल ने पार्टिसिपेट किया है, अगर मान के चलो यहाँ पर रिटेल की पार्टिसिपेशन 50% होगी ना, तो वो क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे 5 रुपए का पहले, गेम को समझो, वो पहले स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद फिर इसको ऊपर दौड़ा देंगे, तो आपको हिम्मत करके उस प्राइस में दोबारा एंट्री करनी है जहां आपने स्टॉक को फर्स्ट टाइम बाई किया था, और सेम क्वांटिटी करनी है, समझ आ गया, तो ये होता है गेम असली। अब आपको क्या लगता है, यहां देखो यहां स्टॉक इस रेंज से मात्र 1 ही महीने के अंदर 6 रुपए से आपका 12 रुपए हो गया, मात्र 1 महीने के अंदर, तो यही होगा इसमें दोबारा से, तो हमें इसी का इंतजार करना है बस, ठीक है, समझ आ गया भाई, तो ये स्टॉक है इसको नजर में रख सकते हो, बाकी अगर आपको सभी स्टॉक के सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ये टारगेट देखने 100 रुपये पक्का जाएगा, इनमें से जो एक स्टॉक है ना पक्का 100 रुपये जाएगा, आपको कौन सा है नीचे कॉमेंट कर दो, अगर आप पुराने वीडियोज देखे हैं मेरे, तो बाय बाय, टेक केयर, घुटना मिलता हूँ अगली वीडियो।